नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं अभिषेक गौरा और हम डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स। आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारे सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें हम हॉस्टल वार्डन को डेडिकेटेड 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। अभी तक हमने 50-50 के दो वीडियोज में 100 क्वेश्चंस को डील कर लिया है। अब जो हमारा आज का वीडियो है इसमें हम 101 क्वेश्चन से लेकर के 150 क्वेश्चन तक डील करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है ये है आपका, क्या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO, यानी कि NSSO का पूरा नाम क्या है या फिर फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों को बताना है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या है, कैसे है, ये सभी चीजों को हम पहले डील कर चुके हैं। बहुत अगर ऊपर ऊपर की बात करें तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, इसके दो विंग होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिस्टिकल विंग और एक होता है प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का विंग। तो ये जो आपका स्टैटिस्टिकल विंग होता है इसके अंदर में एक ही डिपार्टमेंट है जिसका नाम है क्या, NSO, जिसको हम बोलते हैं क्या, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसके अंदर में आप लोगों को तीन अलग अलग ऑफिसेस देखने मिलेंगे। एक मिलेगा CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दूसरा आपको मिलेगा NSSO और तीसरा यहां पर होता है कंप्यूटर सेंटर। इस प्रकार से ये जो आपका स्टैटिस्टिकल विंग है यानी कि सांख्यिकीय विंग है उसमें आपको क्या मिल रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसके अंदर में क्या है राष्ट्रीय माफ कीजिएगा, ये है आपका क्या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ना। इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। इसके अंदर में आपको मिलेगा क्या NSSO, इसके साथ में एक और मिलेगा क्या राष्ट्रीय गतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान कार्यालय और तीसरा है क्या कंप्यूटर सेंटर। और वहीं जो आपका प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का विंग है इसमें आप लोगों को मिलेगा एक 20 पॉइंट्स प्रोग्राम है ना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। दूसरा मिलेगा आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट है ना, MPLADS जिसको बोलते हैं। और तीसरा आप लोगों को मिलेगा क्या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोग्राम मॉनिटरिंग, माफ कीजिएगा इसका नाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और प्रोग्राम मॉनिटरिंग। है ना, तो कुल मिला करके ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है यानी कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उसके जो दो प्रमुख अंग है, एक है क्या सांख्यिकीय अंग, दूसरा है क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन का अंग। सांख्यिकीय जो अंग है उसके अंदर केवल एक ही डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं क्या राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, और उसके अंदर में आता है केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, फिर दूसरा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय और तीसरा आता है कंप्यूटर सेंटर। और उसी के साथ में जो कार्यक्रम कार्यान्वयन का क्या है विंग है या फिर अंग है उसमें तीन आते हैं, कौन कौन से, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम आता है, दूसरा आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट और तीसरा आ जाता है आपका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोग्राम मॉनिटरिंग। हालांकि ये सब चीजों को हमने अपने रेगुलर वीडियोस में काफी डिटेल में डील किया है, अभी हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं। व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इन पीपल ऑफ 15 और मोर इयर्स ऑफ एज इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24, मतलब 2023-24 की अंतिम तिमाही में 15 या अधिक वर्ष की आयु के लोगों में बेरोजगारी की प्रतिशत क्या रही है, ये आप लोगों को बताना है। तो जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6.7 यानी कि
6.7% लोग क्या रहे हैं, बेरोजगार रहे हैं, और ये डेटा भी एनएसएसओ द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच लैंग्वेज वॉज रामचरितमानस रिटन बाय तुलसीदास, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस कौन से, अच्छा हम पीछे चले गए हैं, हमको जाना है आगे, है ना। 103वां जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, When was the periodic label survey started by NSSO? यानी कि NSSO द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कब शुरू किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, NSSO का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन रहा हमारा, 15 वर्ष या उससे अधिक लोगों को बेरोजगारी दर क्या रही है वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम तिमाही में। इसके बाद में हमारे लिए ये क्वेश्चन बीच में गलती से आ गया है, इसको आप लोग कट कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमने पहले डील कर लिया है, है ना। 103वां जो क्वेश्चन है ये क्या है, When was periodic labor force survey started by NSSO? NSSO द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कब शुरू किया गया था, 2017, 2018, 2015 या फिर 2020? इसका जो जवाब हो जाएगा हमारे लिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2017 से ही NSSO द्वारा हर तिमाही में क्या जारी किए जाते हैं, श्रम बल सर्वेक्षण के रिजल्ट जारी किए जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो अंतिम तिमाही रही है किसमें, 2023-24 की, उसमें 15 वर्ष से अधिक लोगों में बेरोजगारी की दर कितनी है, 6.7 है, ये हम लोगों को बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द रिसेंटली रिलीज वर्क ट्रेंड रिपोर्ट, यानी कि हाल ही में एक वर्क ट्रेंड रिपोर्ट, कार्य प्रवृत्ति रिपोर्ट रिलीज की गई थी, इसके बारे में क्या सत्य है, ये पूछ रहा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, इसे माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर टू है, स्टेटमेंट नंबर टू है, रिपोर्ट के अनुसार 95% कामकाजी आबादी एआई का उपयोग करती है। तीसरा स्टेटमेंट है, पिछले 6 महीने में एआई उपयोगकर्ताओं की संख्या दुगनी हो गई है। और चौथा है, एआई का उपयोग केवल दुनिया के चुनिंदा शहरों में किया जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट्स को पढ़िए, और इसका आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। 1 and 2, 2 and 4, 1 and 3, यहां पर 1, 3 and 4 है, जो लास्ट ऑप्शन है आपका ये है 1, 3। तो जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों के लिए, केवल 1 और 3 सत्य हैं, यानी कि 1st and 3rd statement are true, है ना। ये जो एआई है इसको यूज करने वाले लगभग आपके 75% लोग हैं, और इसे केवल देश के कुछ चुनिंदा शहरों में नहीं बल्कि सारे शहरों में लगभग यूज किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है ये है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालती जोशी, हाल ही में मालती जोशी को क्या किया गया था, वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। मालती जोशी का हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है, और ये किस क्षेत्र से है आपको बताना है। 2018 में इन्हें क्या दिया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लिटरेचर, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स या फिर साइंस, इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिटरेचर। साहित्य से जुड़ी हुई है, ये इंडियन नॉवलिस्ट रही है मालती जोशी, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट विमेन डीजीपी ऑफ मेघालय, मेघालय की पहली महिला डीजीपी, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मेघालय की प्रथम महिला डीजीपी के रूप में कौन नियुक्त की गई है, अगाथा कोंकल संगमा, उत्तरी गुरी संगमा, डॉक्टर मैगिल लिंडोह, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इधर शीशा नोंगरा।
तो जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इदा शीशा नोंगरांग को क्या किया गया है, ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी के रूप में आप सभी के सामने नियुक्त की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस सौ बयानबे बैच के आईपीएस अधिकारी इदा शीशा नोंगरांग ने मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनकर इतिहास रचा, वह किस जनजाति से संबंधित है? ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो कौन सी जनजाति से संबंधित है, कौन सी ट्राइब से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। गारो, खासी, जैंतिया या फिर इनमें से कोई नहीं। जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खासी ट्राइब से बिलोंग करती हैं कौन, इदा शीशा नोंगरांग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हाल ही में आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार, वैष्णव राठी, गुलशन कुमार, प्रणय थवाई। तो जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए, सुबोध कुमार को हाल ही में क्या किया गया है, आयुष मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनमैच्ड टू आयुष, यानी कि आयुष जो मंत्रालय है उसमें इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। आयुर्वेदा, योग, यूनानी या फिर समाधि। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाधि, क्योंकि ये सिद्धि है जो आपका आयुष मंत्रालय है उसके फुल फॉर्म से संबंधित ये क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 110वां क्वेश्चन, वेयर इज चाबहार पोर्ट लोकेटेड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह कहां है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सूडान। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सूडान, जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान में स्थित है क्या चाबहार बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह इज लोकेटेड एट, चाबहार बंदरगाह कहां है, ये आप लोगों को बताना है। ओमान की खाड़ी, पर्शियन गुल्फ, गल्फ ऑफ खंबत या फिर इनमें से कोई नहीं। गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ खंबत या फिर कोई नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है, आप लोग दो मिनट के लिए क्वेश्चन को देखिए और इसको मैच द फॉलोइंग कीजिए। एक तरफ आपको टूर्नामेंट्स लिखे हुए हैं, दूसरे तरफ खेल लिखे हुए हैं जिससे वे संबंधित हैं और आप लोगों को इसको मैच द फॉलोइंग करना है। इसका जवाब हमारे लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इटालियन ओपन खेला जाता है टेनिस में, इलॉर्डा कप खेला जाता है बॉक्सिंग में, थाईलैंड ओपन खेला जाता है बैडमिंटन में, और हीरो इंडिया जो कप है ये खेला जाता है किसमें, गोल्फ के स्पोर्ट में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु क्लेंच द थाईलैंड ओपन टाइटल, हाल ही में थाईलैंड ओपन का टाइटल किसने जीता है? सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम ने, ईगा स्वायत्तेक ने, निखत जरीन और मीनाक्षी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो थाईलैंड ओपन का टाइटल है वो जीतने वाले कौन है, इसमें मेंस डबल का जो टाइटल है, मेंस डबल ये वाला टाइटल जीतने वाले कौन है, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडिया वॉन इन इलॉर्डा कप, इलॉर्डा कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। इलॉर्डा कप किसमें होता है, बॉक्सिंग के खेल में किया जाता है, 10, 11, 12, 13, तो इसमें कुल मिलाकर के हमें 12 पदक जीते हैं हमने। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्लेम्स गोल्ड मेडल इन द इलॉर्डा कप, कुल मिलाकर के हमने कितने पदक जीते हैं, इसमें 12 पदक हमने जीते हैं जिसमें से गोल्ड मेडल किन्हें किन्हें मिला है या फिर किन्हें मिला है ये बताना है। निखत जरीन, मीनाक्षी सिन्हा, अनामिका या फिर मनीषा। निखत जरीन, मीनाक्षी, अनामिका या फिर मनीषा। केवल एक, एक दो, केवल एक, केवल दो, एक दो, एक दो और तीन।
तो जो निखत जरीन और मीनाक्षी हैं इन दोनों को मिला है, तो यहां पर हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों को क्या मिला है, गोल्ड मेडल या फिर स्वर्ण पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन फैंटास्टिक एक वृत्ति चित्र है जो निम्नलिखित में से किस खेल खेल के व्यक्ति को खेल के ऊपर में बनाया गया है, यानी कि कैप्टन फैंटास्टिक नामक एक डॉक्यूमेंट्री इनमें से कौन से स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के ऊपर में बनाई गई है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है कपिल देव, ऑप्शन बी है एमएस धोनी, ऑप्शन सी है बाइचुंग भूटिया या फिर ऑप्शन नंबर डी है सुनील छेत्री। किनके ऊपर कैप्टन फैंटास्टिक नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री के ऊपर बनी है क्या, कैप्टन फैंटास्टिक नामक फीफा द्वारा बनाया गया है, ये फीफा के ऑफिशियल साइट में है इनका जो डॉक्यूमेंट्री है वो। आगे चलते हैं, विच क्रिकेट प्लेयर्स लॉस्ट देयर विकेट ओइंग टू रूल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के नियम के कारण किस खिलाड़ी को या फिर किस क्रिकेट प्लेयर को क्या किया गया है, विकेट खोना पड़ा है, ये आप लोगों को बताना है। रविंद्र जडेजा, यूसुफ पठान, अमित मिश्रा या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारे लिए अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसका जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी हो जाएंगे क्या, वे प्लेयर्स जिन्होंने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए क्या किया है, अपना विकेट लूज किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रविंद्र जडेजा, क्योंकि इन्हें वर्ष 2024 में ही इस नियम के तहत क्या किया है, विकेट खोना पड़ा है। किनको, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए, रविंद्र जडेजा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मानस रिसेंटली सीन इन न्यूज, हाल ही में खबरों में रहा मानस क्या है, टोल फ्री मानव तस्करी विरोधी हेल्पलाइन, मादक पदार्थ विरोधी ईमेल सर्विस, आतंक विरोधी टोल फ्री हेल्पलाइन या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, एंटी नारकोटिक्स ईमेल सर्विस है, ये एंटी नारकोटिक्स ईमेल सर्विस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मानस, हाल ही में खबरों में रहा मानस का पूरा नाम क्या है, मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग सिस्टम, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, महिला एवं बाल नवाचार सूचना केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानस का फुल फॉर्म है क्या, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, और ये पूरे भारत का पहला ईमेल सर्विस है जो कि डेडिकेटेड है किसके लिए, एंटी नारकोटिक्स सर्विसेज के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच टीम एमर्ज द ओवरऑल चैंपियन ऑफ कोपा अमेरिका 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट, कौन सी टीम कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का ओवरऑल चैंपियन बना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेन बोलीविया ब्राजील या फिर अर्जेंटीना, स्पेन बोलीविया ब्राजील या फिर अर्जेंटीना, इसका जवाब है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आज तक की सबसे सफल टीम बन गई है, 16 बार इसने अभी तक क्या कर लिया है, कोपा अमेरिका के जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं उसे जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्लिंच्ड गोल्ड मेडल एट IISF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के द्वारा हाल ही में किसने जूनियर विश्व कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, भवतेज सिंह गिल, सबीरा हैरिस, दोनों ने ही जीता है या फिर किसी भी ने नहीं जीता है स्वर्ण पदक, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी ने भी नहीं जीता है ये स्वर्ण पदक, क्योंकि भवतेज सिंह गिल को मिला है क्या सिल्वर और सबीरा हैरिस को मिला है ब्रोंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है, वेयर वॉज द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज, हाल ही में ISSF द्वारा जूनियर विश्व कप कहां आयोजित की गई थी, रोम, मिलान, ट्यूरिन या फिर पॉर्पिटो इटली, इसका जवाब हमारे लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉर्पिटो इटली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, विच टीम एमर्ज द ओवरऑल चैंपियन ऑफ यूरो कप 2024, कौन सी टीम यूरो कप 2024 की ओवरऑल चैंपियन बन गई है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन या फिर नन ऑफ द अबव।
ये है आपका ऑप्शन नंबर सी स्पेन। स्पेन रही है इस बार की यूरो कप की क्या ओवरऑल चैंपियन। आगे चलते हैं 125वां क्वेश्चन। वेयर विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट ई स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड। दुनिया का पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया जाएगा, सऊदी अरेबिया में, जमैका में, चाइना में या फिर इंडिया में। जवाब हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरेबिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following player clinched the Wimbledon Open 2024 men's single title? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब जीता है, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, रॉजर फेडरर या फिर आंद्रे अगासी। रॉजर फेडरर या फिर आंद्रे अगासी, ये है आपके ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्काराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following player clinched the Wimbledon Open 2024 women's single title? महिला एकल का खिताब विंबलडन ओपन में किसने जीता है, बारबरा क्रेजेकुआ, जैस्मिन पाओलिनी, एलिना रिबाकिना या फिर डोना वेकिक। ये है आपकी बारबरा क्रेजेकुआ, जिन्होंने विमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है किसमें, आपके विंबलडन ओपन में। आगे चलते हैं। Who among the following has recently been appointed as sub-regional representative for South Asia by the Asian Paralympic Committee? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में एशिया पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जोगिंदर सिंह बेदी, दीपा मलिक, भीमराव केसारकर या फिर मुरलीकांत पेटकर। जोगिंदर सिंह, दीपा मलिक, भीमराव केसारकर, मुरलीकांत पेटकर, ये है आपके ऑप्शन नंबर बी दीपा मलिक को क्या किया गया है, साउथ एशिया के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है। Who among the following became the new president of नेपाल? निम्नलिखित में से कौन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर, माफ कीजिएगा। Who among the following became the new prime minister of नेपाल? केपी ओली, पुष्मा, पुष्पा, कमला दहाल, शेर बहादुर देवबा या फिर सुशील कोईराला। केपी ओली जो है ये पुष्पा दहाल के बाद में क्या बने हैं, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला, विच पार्टी रिसेंटली वॉन द जनरल इलेक्शंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन जुलाई 2024? जुलाई 2024 में हाल ही में किस पार्टी ने यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव जीते हैं, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो लेबर पार्टी है ऑप्शन नंबर ए, कीर स्टार्मर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हराते हुए क्या बना दिया है, वहां सरकार बना लिया है यूनाइटेड किंगडम में। ब्रिटिश संसद में कुल मिलाकर के कितने सीट हैं, ये आप लोगों को बताने हैं, 450, 550, 650 या फिर 750, और ये इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 650। What are the names of upper house and lower house of British Parliament? British संसद के ऊपरी सदन और निचले सदन के नाम क्या हैं? House of Commons and House of Lords, House of Lords and House of Commons, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राज्यसभा और लोकसभा। What are the names of upper house and lower house of British Parliament? तो जो ऊपर या फिर ऊपरी सदन है, उच्च सदन है, उसका नाम है क्या, House of Lords, और जो निचली सदन है उसका नाम है क्या, हाउस ऑफ कॉमन्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। हु चेयर्ड द रीसेंट कोलंबो प्रोसेस हेल्ड एट जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जिनेवा में हेडक्वार्टर्ड हो गई है। कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्षता किसने किया है, हाल ही में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता किसने की है, ये आप लोगों को बताना है, इंडिया, स्विट्जरलैंड, चाइना या फिर कंबोडिया। तो ये जो कोलंबो प्रोसेस है ये आपका साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया इन दोनों के 12 कंट्रीज का क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है,
और ये कैसे है, लेबर माइग्रेंट्स वाले, लेबर माइग्रेंट्स वाले आपके 12 देश हैं जिनका एक संगठन है कोलंबो प्रोसेस, और हाल ही में इसे इसकी अध्यक्षता भारत को पहली बार मिली है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट कोलंबो प्रोसेस, है ना, यानी कि कोलंबो प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य नहीं है, क्या गलत है, ये आपको बताना है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 12 कंट्रीज, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 2020, इंडिया चाइना पाकिस्तान एंड नेपाल ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स टू द ग्रुप, इंडिया चेयर्ड द मीटिंग इन जुलाई 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन, भारत इसकी स्थापना के बाद पहली बार जुलाई 2024 में बैठक की अध्यक्षता कर चुका है, ये आप लोगों को बताना है। इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो कोलंबो प्रोसेस है इसका गठन 2003 में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, Who has recently been appointed as new foreign secretary to government of India? हाल ही में भारत सरकार के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्त्री, राजेंद्र खन्ना, बोधना शिवनंदा या फिर none of the above? जो विक्रम मिस्त्री हैं, इन्हें क्या किया गया है भारत में विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, Who has been appointed as deputy national security advisor of India? भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल, सुरेश मल्होत्रा, विक्रम मिस्त्री या फिर राजेंद्र खन्ना? राजेंद्र खन्ना ऑप्शन नंबर डी को बनाया गया है क्या, डेप्यूटी एनएसए। इसके पहले जो डेप्यूटी एनएसए थे वो कौन थे, विक्रम मिस्त्री थे। जब उनको फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया तो उनकी जगह में राजेंद्र खन्ना को क्या बना दिया गया, भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, है ना, यानी कि डेप्यूटी एनएसए। अगला क्वेश्चन है, विच क्रिकेट प्लेयर बिकेम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडिया टू टॉप द आईसीसी T20 ऑलराउंडर्स लिस्ट? कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी आईसीसी T20 ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष पर रहने वाला भारत का पहला खिलाड़ी बन गया है? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल या फिर स्मृति मंधाना? ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जो आईसीसी T20 की ऑलराउंडरों की सूची में शामिल हो गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट एमएलए फ्रॉम इंडिया टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स? निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के पहले विधायक बन गए हैं? ऑप्शन ए है श्रेयसी सिंह, ऑप्शन बी है बोधना शिवनंदा, ऑप्शन नंबर सी है कीर्ति अग्रवाल और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में सुरामैया शाह। ये है आपके पास में ऑप्शन नंबर ए श्रेयसी सिंह, ये बिहार के जमुई विधानसभा से एक एमएलए हैं, दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं, और इन्होंने भारत का नेतृत्व किया है किसमें, या फिर उनका भारत का रिप्रेजेंट किया है किसमें, ओलंपिक्स में। हाउ मेनी कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र हैव बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024? भारत सरकार ने 2024 में कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? 26, 10, 10, 26, 25, 25, 10, 10। कुल मिलाकर के 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं भारत सरकार द्वारा 2024 में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र हैव बीन अवार्डेड पोस्टमसली इन 2024? इन 2024 में कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं, ये आपको बताना है। 7 और 10, 10 और 7, 7 और 7 और 10 और 10।
तो जो 10 में से 7 कीर्ति चक्र हैं उन्हें क्या किया गया है, मरणोपरांत प्रदान किया गया है, और वैसे ही 26 शौर्य चक्रों में से 7 को क्या किया गया है, मरणोपरांत प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल प्लास्टिक डे, प्लास्टिक बैग फ्री डे इज सेलिब्रेटेड, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई। जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जुलाई। 3 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाता है, प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया जाता है, प्लास्टिक बैग फ्री दिवस। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड स्पोर्ट्स प्रेस डे सेलिब्रेटेड, विश्व खेल प्रेस दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर सी, ये भी आपका 3 जुलाई को ही मनाया जाता है, जिस दिन वर्ल्ड प्लास्टिक फ्री डे मनाया जाता है उसी दिन आपको मनाया जाता है क्या, विश्व खेल प्रेस दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द नेटो समिट ऑफ द ईयर 2024 रिसेंटली हेल्ड, वर्ष 2024 का नाटो शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित कराया गया था, लंदन, सैंटियागो, जिनेवा या फिर वॉशिंगटन डीसी। वर्ष 2024 में नेटो का जो शिखर सम्मेलन था वो वॉशिंगटन डीसी में क्या किया गया था, आयोजित कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो, नेटो का या फिर नाटो का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम, मॉस्को रूस या फिर सिडनी ऑस्ट्रेलिया। जिनेवा स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम, मॉस्को रशिया या फिर सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम, यहां पर नेटो का क्या है, नाटो का मुख्यालय है। अगला है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज रिसीव द शेवेलियर डे ला लीजियन, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को शेवेलियर डे ला लीजन, नाइट्स ऑफ द लीजन ऑफ ऑर्डर प्राप्त हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नरेंद्र मोदी, किरण मजूमदार शॉ, रोशनी नडार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपकी रोशनी नडार, रोशनी नडार को विश्व व्यापार एवं शांति में बहुत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये दिया गया है क्या, शेवेलियर डे ला लीजियन, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। अगला क्वेश्चन है, शेवेलियर डे ला लीजियन, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया या फिर थाईलैंड। फ्रांस, जर्मनी, रशिया या फिर थाईलैंड। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे सम्मानित किसे किया गया है, रोशनी मजूमदार, माफ कीजिएगा, रोशनी नडार, है ना। Who amongst the following personalities of India received the Order of Saint Andrew the Apostle? Order of Andrew the Apostle, Saint Andrew the Apostle. Narendra Modi, Kiran Majumdar Shaw, Roshni Nadar या फिर किसी को भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, none of the above. भारत की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे Order of Saint Andrew the Apostle दिया गया है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ये चारों ही सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है क्या, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, और द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ विच कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, रशिया या फिर थाईलैंड। ये रशिया का क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है क्या, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज जोरावर रिसेंटली सीन इन न्यूज इन इंडिया, हाल ही में भारत में खबरों में रहा जोरावर क्या है, स्वदेशी रूप से निर्मित हल्का टैंक है, भारत और मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मानव रहित हवाई वाहन है या फिर भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। तो जो जोरावर है ये भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित क्या है, एक लाइट टैंक है।
क्या है? लाइट टैंक। अगला क्वेश्चन है, हु व्हाट इज नो मैडिक एलिफेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज, हाल ही में खबरों में रहा नो मैडिक एलिफेंट क्या है? इंडिजिनसली बिल्ड लाइट टैंक, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट टैंक, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, मानव रहित हवाई यान, या फिर भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। जो नोमैडिक एलिफेंट है ये भारत और मंगोलिया के बीच में एक क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया है। तो यहां पर हमारा आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। 150 क्वेश्चन तक हम पहुंच पाए हैं और इसी तरह थोड़ा सा फास्टर स्पीड में, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम काफी करीब आ गया है, ये देखने के बाद आपको एक दो बार और इसका रिविजन करना पड़ेगा, इसलिए हम जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे। किनको? 300 क्वेश्चन की ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज है। हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।